वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं या आप कॉमर्स फिनांस अकाउंट्स रिलेटेड नॉलेज को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज किस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो आपका गुडविल है उसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के द्वारा कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। अभी तक मैंने आपको बता दिया है कि गुडविल किसे कहते हैं और गुडविल को कैलकुलेशंस करने का जो तीन मेथड्स है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कौन है मेरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने सिंपल एवरेज मेथड के द्वारा गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैंने ऑलरेडी क्या किया है वीडियो उसका बना दिया है। प्लेलिस्ट में उसका क्या वीडियो अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका गुडविल है उसको हम लोग वेटेड एवरेज मेथड के द्वारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, ये जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही क्या एक पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो मेथड है, सिंपल वाला जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है और ये कौन है मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। राइट, और एक बहुत ज्यादा क्या आपका सिंपल है, बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करना है आपको गुडविल फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें दो फॉर्मूला का आपका सहारा लेना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत सबसे पहले आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, राइट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल वेट्स, राइट। और उसके बाद जब मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे गुडविल को फाइंड आउट कर लेंगे। गुडविल का फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि जो हम लोग ये वाला फाइंड आउट किए थे है ना, वेटेड एवरेज प्रॉफिट और इनटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। हमने नंबर ऑफ ईयर परचेस के बारे में ऑलरेडी क्या किया है सिंपल एवरेज प्रॉफिट जब मैंने निकाला मैंने बता दिया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, पिछले कुछ सालों में जो आप बिजनेस किए हैं उसके आधार पे आने वाले कितने साल आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो आने वाला जितना भी साल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस, राइट। पिछले जो आपने कुछ साल आपने बिजनेस किया है तो पिछले कुछ साल जो आपने बिजनेस किया है उसके आधार पे आने वाले साल में आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितने साल कमा सकते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस, राइट। अब देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे फॉर्मूला का सहारा लेंगे। एक आपका क्या है आपका कोशस लेंगे। कोशस बताता क्या है कि आपका 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 और 2014 क्या है 2015 है। तो कहने का मतलब यह मेरा क्या ले लिया, मैंने ईयर ले लिया फिलहाल ईयर, तो बोलता है 2010-11 में एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ था 20,000, 2011-12 में एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ था 24,000, 2012-13 में एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ था 30,000, 2013-14 में एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ था 25,000 और 2014-15 में एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ था आपका 18,000, राइट। तो ये आपका क्या करेगा क्वेश्चंस में ऑलरेडी क्या करेगा आपका बता देगा कि कितने साल का क्या क्या प्रॉफिट है और साथ में आपको हर साल का वेट देगा। साल आपका क्वेश्चन भी क्या करेगा हर आपका क्वेश्चंस में हर साल का क्या देने का आपका वेट। वेट क्या एक तरह का आपका नंबर होगा, क्या होगा नंबर जो आपका 1, 2, 3, 4, 5 इसी में क्या होगा आपका दिया हुआ जनरली रहेगा। तो आपको इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, हर साल का वेट दिया रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका एनुअल प्रॉफिट है और उसको वेट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट, क्या निकल जाएगा प्रोडक्ट, राइट। एनुअल प्रॉफिट को वेट से क्या करेंगे जब हम लोग गुणा कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या जाएगा प्रोडक्ट। और देखिए मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लिखा है प्रॉफिट इनटू वेट, क्या लिखा है प्रॉफिट इनटू वेट, तो प्रॉफिट को जब वेट से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे प्रोडक्ट, देखिए 20,000 × 1 20,000, उसके बाद 24,000 × 2 48,000, 30,000 × 3 90,000, 25,000 × 4 1,18,000 × 5 कितना हो गया आपका 90,000, ठीक है। तो ये जो तीन कॉलम मैंने बनाया है ना, ये तीन कॉलम आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, ईयर प्रॉफिट और वेट, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे प्रोडक्ट निकाल लिया, टोटल प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, टोटल प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे। तो 20,000, 48,000, 90,000, 1,00,000 और 90,000 तो जब हम लोग जोड़ेंगे कितना आएगा 3,48,000, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, तो कितना है आपका 3,48,000
3,48,000। उसके बाद सम ऑफ ऑल वेट्स, सब वेट्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे एक दो तीन, तीन तीन छह, छह चार दस, और दस पांच कितना हो गया आपका 15, कितना हो गया 15। यहाँ पर कितना से डिवाइड कर दिए 15 से, याद रखिएगा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देते हैं, कितना से 5 से, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, आपको सम लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा सम, यानी टोटल को जोड़ के, राइट। तो हम लोग का क्या करेंगे 3,48,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 23,200, कितना जाएगा 23,200, 23,200, राइट। तो हम लोग का एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे गुडविल निकालेंगे, गुडविल का फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट कर लिया है 23,200, और मान लेते हैं ये जो क्वेश्चंस है इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना दिया हुआ आपका 3, कितना दिया हुआ 3, और नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, राइट। तो आपका 23,200 में कितना सुगुना कर दिए 3 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 69,600, ये मेरा जो होगा आपका 69,600, यही मेरा क्या हो जाएगा गुडविल का अमाउंट, राइट। तो ये सिंपल सा क्या था आपका, आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट के द्वारा मैंने क्या किया गुडविल को आपको निकाल के बताया। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुपर प्रॉफिट मेथड और आपका कैलकुलेशन मेथड के द्वारा गुडविल कैसे निकाला जाता है। तो अभी तक अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।